बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ आवर लेक्चर रोल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द स्पीशीज इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो वेन एवर वी वॉक इन टू अ फॉरेस्ट और स्टेप बाय द साइड ऑफ लेक, वी आर इन कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विद वन अनदर। इन अदर वर्ड्स, इन एवरी इकोसिस्टम ऑर्गनिजम्स लिव टुगेदर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मीन्स टू से कि जहाँ पे भी कोई स्पीशीज़ रहती हैं उनका जो ताल्लुक होता है, इनका जो इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ बना रहता है, उनका कम्युनिटी और पॉपुलेशन के साथ, उनके साथ एक आपस में एक इंट्रैक्शन होता है जिस तरह वो आपस में टुगेदरली मूव करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द स्पीशीज़ फाउंड इन इको सिस्टम। अब कौन सी स्पीशीज़ हैं जो इको सिस्टम में मूव करती हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं। एक है नेटिव स्पीशीज़, ये जो नॉर्मली रहती हैं एंड थ्रिव इन अ पर्टिकुलर इको सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वन है एलियन स्पीशीज़ हैं या इमिग्रेंट कह सकते हैं, विच माइग्रेट इनटू एन इकोसिस्टम और विच आर एक्सीडेंटली और डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इकोसिस्टम बाय ह्यूमंस। मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। सेकेंड वन है जी इंडिकेटर स्पीशीज़। इंडिकेटर स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, विच सर्व एज अर्ली वार्मिंग दैट अ कम्युनिटी। की स्टोन स्पीशीज, विच प्ले रोल्स अफेक्टिंग वी मैनी अदर ऑर्गेनिज्म इन एन इको सिस्टम। जनरली की स्टोन स्पीशीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेरीन इको सिस्टम दैन इन इंटरस्ट्रियल इको सिस्टम। द लॉस ऑफ द की स्टोन स्पेशल कैन लेड टू शार्प पॉपुलेशन ड्रॉप एंड एक्सटेंशन ऑफ अदर स्पीशीज दैट डिपेंड ऑन इट फॉर सर्टन सर्विसेज। An individual in nature interact not only with others of same species but with individual of other species. Again, the interaction may be between animals themselves, between plants, animals, as well as between plants themselves. Means to say कि animals के animal के साथ interaction हो सकता है, plants का plants के साथ, मतलब interact कर रहे होते हैं individual जितने भी nature में survive करते हैं। Most of the interaction between the species involve food, competing for food, eating and avoiding for being eaten or other most common ways in which organism affect one another. मीन्स टू से कि सम टाइम उनके साथ ही इनका इंट्रैक्शन होता है या वो उनके साथ कंपटीशन होता है फूड की वजह से, ईट की ईटन वे में जो भी इनके साथ आपस में वो कंपीट करते हैं, उनका इस तरह इंट्रैक्शन होता रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑफन दिस इंट्रैक्शन आर टू ब्रीफ ड्यूरेशन। दे वेरियस टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन मे बी क्लासीफाइड इन टू मेन कैटेगरीज, सिम्बियोसिस और एंटागोनिज्म। सिम्बियोसिस क्या है, इन विच वन और बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड एंड नेदर सब्जेक्ट इज हार्म। मीन्स उसे कि दोनों को आपस में फ़ायदा होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल लाइकन की है, क्योंकि लाइकन में एल्गी और फंजाई होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। लाइकन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे एंटागोनिज्म है, इन विच आर लीस्ट वन ऑफ स्पीशीज इज हार्म। ठीक है, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन नेचुरलिज्म है, कॉमनसलिज्म है, प्रोटो कॉरपोरेशंस है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडिशन है, पैरासाइटिज्म है, एमेंसलिज्म है। ये बहुत कॉमन सी है। ये इसको आप एक दफ़ा इस टेबल को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी सारी समझ आ जाएगी, ये कौन सी स्पीशीज़ किससे को हार्मफुल होती है, किसको कितना फ़ायदा होता है, ये आपस में किस तरह इंट्रैक्ट करके ये रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। Most of the ecologists, however, extend the meaning of symbiosis, which literally mean living together. वो कह रहे हैं कि बहुत से जो होते हैं इकोलॉजिस्ट होते हैं उनको वो उसका मीनिंग सिम्बियोसिस का किसी और वे में लेते हैं। ठीक है, टू एम्बैरस ऑल टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग हार्मफुल वंस। वो ये कहते हैं कि जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है उसमें जो दो मेंबर्स होते हैं उनको वो हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकते हैं और बेनिफिशियल भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि लाइकन की एग्जाम्पल को अगर हम अपने सामने रखें तो हम ये कहेंगे कि सिम्बियोसिस ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आपस में ये एक दूसरे को फ़ायदा ही देते हैं, मतलब एक दूसरे का इनको किसी को नुकसान नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, एक साइंटिस्ट है ऑडियम 1971 ने, उसने कहा कि एग्रींग टू द यूज़ ऑफ देम टर्म सिम्बियोसिस प्रेफर टू डिवाइड वेरियस टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन इनटू द टू मेजर ग्रुप्स। उसने कहा कि सिम्बियोसिस को मैं दो तरह की इंट्रैक्शन में को देखते हुए दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक होती है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, एक होती है नेगेटिव इंट्रैक्शन। पॉजिटिव इंट्रैक्शन क्या है, व्हेन पॉपुलेशन हेल्प वन अनदर द इंट्रैक्शन बीइंग एदर वन वे टू रेसिप्रोकल। These include commensalism, proto-corporation, mutualism. Means to say वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन में, अब म्यूचुअलिज्म में यह है कि वो भी उनको आपस में एक को हार्मफुल होता है एक के लिए कॉमनसलिज्म में और एक के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि जितने भी आपस में ऑर्गेनिज्म हैं आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है हमने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को नहीं देखना, तो वो जी सिम्बियोसिस पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आ जाते हैं। ठीक है,
आगे जी नेगेटिव इंट्रैक्शन क्या है, वेयर मेंबर ऑफ वन पॉपुलेशन मे ईट मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन कम्पीट टू फूड एंड स्पेस एक्सट्रीट हार्मफुल वेस्ट और अदरवाइज इंटर फेयर विद अदर पॉपुलेशन दीज इंक्लूड कॉम्पिटिशन प्रीडेशन पैरासाइटिज्म एमेंसलिज्म। अब वो ये कह रहा है कि उसने पॉजिटिव इंट्रैक्शन और नेगेटिव इंट्रैक्शन को मतलब जितने भी कॉमेंसलिज्म पैरासाइटिज्म है म्यूचुअलिज्म है उसने उनको दो कैटेगरी में सिंपली डिवाइड कर दिया है। उसने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हैं उसको पॉजिटिव में कर दिया, जो नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं या हार्मफुल इफेक्ट है उसको उसने नेगेटिव में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, द साइलेंट फीचर ऑफ द वेरियस इंट्रैक्शन आर एज फॉलो। नेचुरलिज्म, अब इसको डिटेल्ड हमने पढ़ना है कि नेचुरलिज्म क्या है, कॉमर्शलिज्म क्या है। अब नेचुरलिज्म क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज आर नेचुरल, नेदर स्पीशीज डायरेक्टली अफेक्ट द अदर, टू में लिंक्ड इनडायरेक्टली थ्रू अ सीरीज ऑफ द इंट्रैक्शन विद अदर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, ईगल्स सर्टनली हैव अ नेचुरल इफेक्ट ऑन एनी गिवन स्पीशीज ऑफ ग्रास बिकॉज रैबिट्स ईट ग्रास एंड ईगल ईट रैबिट। ठीक है, मतलब कैसे एग्जाम्पल, अब जो ईगल है उसमें नेचुरल इफेक्ट है वो ग्रास की स्पीशीज़ है, रैबिट ईट ग्रास, रैबिट घास खाता है एंड ईगल ईट रैबिट, और जो ईगल होता है वो रैबिट को खा जाता है एंड ईगल इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द ग्रास बाय हेल्पिंग द कंट्रोल ऑफ रैबिट पॉपुलेशन एंड द ग्रास इनडायरेक्टली बेनिफिट। ठीक है, द ईगल बाय फैटरिंग अप इट्स प्रे स्टिल बाय द कन्वर्जेशन द ईगल ग्रास इंट्रैक्शन इज रिगार्डेड एज नेचुरल। ये नेचुरलिज्म है, मीन्स टू से इसमें किसी का कोई इफेक्ट नहीं है। कॉमनसलिज्म क्या है, वेल मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज आर एसोसिएटेड इन सच अ वे दैट ओनली वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वेद द अदर वन इज नेदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड। मतलब एक को फायदा होता है दूसरे को ना तो फायदा होता है ना तो कोई नुकसान होता है। सच एसोसिएशन इज कॉल्ड द कॉमनसलिज्म। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कॉमनसलिज्म आर एज अंडर। अब ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताई हैं कॉमनसलिज्म की। अच्छा, एक होती है लाइनस में होती है, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इसमें कॉमन डेंस फॉरेस्ट टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये होता है। ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं इसमें जी इरेक्टनेस बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ अदर बिग ट्रीज, मतलब इसमें एक इरेक्टनेस होती है और वो जो दूसरी ट्रीज़ को सपोर्ट देती है। ठीक है, जब ये प्लांट्स सनलाइट के लिए एक्सपोज होते हैं तो वो सपोर्ट देते हैं दूसरे प्लांट्स को। ठीक है, और बेनिफिटेड होते हैं अदर, लेकिन उसका उसको जो दूसरे प्लांट्स होते हैं दूसरों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना इसका कोई नुकसान होता है। अब ये बहुत सारी एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा, ये सिंपल सिंपल सी हैं। एक हमने फ़िश का पढ़ा हुआ था कि एक, ये हम काफ़ी देर से एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं, रिमॉर्क शार्क है, ये रिलेशनशिप होता है द डोर्सल फाइन ऑफ द रिमॉर्क फिश एकाइंस नेक्रेट्स हैज़ बिकम मॉडिफाइड इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन इनटू अ मोस्ट इफेक्टिव अवॉइड सकिंग डिस्क। ठीक है, अच्छा जी, फोटो कॉर्पोरेशन क्या है, फोटो कॉपरेशन ये है कि द टाइप ऑफ द एसोसिएशन बोथ द पार्टनर आर बेनिफिटेड बट द एसोसिएशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी नॉट एसेंशियल, बोथ पार्टनर्स कैन लीव विदाउट ईच अदर, मतलब ये दूसरे के बगैर रह सकते हैं, बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड बट एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी कैन नॉट लीव विदाउट द अदर। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फोटो कॉरपोरेशन, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द फोटो कॉरपोरेशन इज फर्निश्ड बाय द सी एनेम्बा एनिमा एडमेशिया विच ग्रो ऑन द शेल ऑफ द हर्मिट क्रैब यूपकेरस, द सी एन एमेबा इज कैरिड बाय द क्रैब टू न्यू फीडिंग एरिया, द क्रैब इज टर्न कैमेलोफ्लैग्ड बाय सी एमेबा एनमोनिया एंड इज दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज। ये एग्जाम्पल्स हैं, अनदर एग्जाम्पल्स कोई एक आप कर लें या आप सारी पढ़ लें क्योंकि कुछ भी आ सकता है एमसीक्यूज में, अगर आया तो क्वेश्चन आपको आ सकता है। म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों को बोथ स्पीशीज कैन गेन फ्रॉम एसोसिएशन एंड एन एनेबल टू सर्वाइव सेपरेटली द सच एसोसिएशन इज कॉल्ड द म्यूचुअलिज्म। लाइकन की एग्जाम्पल है, लाइकन में एलजी और फंजाई होते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि एलजी जो होती है और जो फंजाई होती हैं अगर इसमें से एक भी एबसेंट हो तो दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, राइजोबियम फर्निश का बताया हुआ कि एग्जांपल म्यूचुअलिज्म होती है, इसमें नोड्यूल्स होते हैं रूट्स में, लेग्यूनस प्लांट्स होते हैं, द बैक्टीरिया ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द जूसेस ऑफ प्लांट्स एंड इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट्स विच इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट। ये जी म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल आ गई है, ठीक हो गया। अ पार्ट ऑफ दिस लाइकन थैलस शोइंग, ये एक पार्ट दिखाया हुआ है उसका फंगल का, हाफ हाइफी का और एल्गी का, और ये रूट्स जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से आपस में म्यूचुअलाइज होते हैं। तो जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है,